हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रू होप फार्मेसी। जब हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था जो है न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आज की वीडियो में है जो हम बात करेंगे वो है आपका जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स और जनरल एनेस्थीसिया, इसी को कहते हैं। जैसा कि जब देखिए हम लोग यूनिट थर्ड पढ़ रहे थे ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, तो उसमें हम लोगों ने बात किया था लोकल एनेस्थेटिक एजेंट या लोकल एनेस्थीसिया। लेकिन हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी का यूनिट फोर ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इसमें जो है हम पढ़ेंगे क्योंकि ये सेंट्रली एक्ट करता है, हमारे हायर सेंटर्स पे एक्ट करता है, इसीलिए इसमें हम पढ़ेंगे जनरल एनेस्थीसिया, इसी को कहते हैं जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल ट्रू होप फार्मेसी को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर फार्माकोलॉजी या बी फार्मेसी से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के लास्ट में मेरे सोशल मीडिया हैंडलर्स के आईडी दी हुई है, वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जितना हो सके वीडियो अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए, ये जो मैं कर रहा हूँ बस आप ही लोगों की मेहनत, आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ। इसमें जो है ये जो मेहनत है बस यही है कि आप लोग वीडियो लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज देखिए हम बात करेंगे जनरल एनेस्थीसिया होता क्या है। तो देखिए ऐसे एजेंट्स या ऐसे ड्रग जो लाते हैं रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सेंसेशन, ऐसे ड्रग जो क्या करें रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जो बेहोश करें लेकिन रिवर्सिबली बॉडी को कॉन्शियस कर दें, बॉडी में कोई जो है रिफ्लेक्सेस या कोई सेंसेशन ना हो लेकिन वो रिवर्सिबल हो, तो इसको कहते हैं जनरल एनेस्थीसिया। देखिए यूजेस क्या है जनरल एनेस्थीसिया या स्केलेटन मसल रिलैक्सेंट, में पढ़ा चुका हूँ यूनिट थर्ड में। ये दोनों का यूज जो है किया जाता है सर्जरी से पहले बॉडी को जो है कॉन्शियस करने के लिए या मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। तो ये जो है जनरल एनेस्थीसिया तो हायर सेंटर्स पे वर्क करेगा। तो देखिए ऐसे ड्रग जो करें रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और सेंसेशन, जो बॉडी में सेंसेशन हो रहा है नर्व्स का सिग्नल आ रहा है उसके सेंसेशन को रोक दे और बॉडी को बेहोश कर दे सर्जरी करने में, जिससे हमको दिक्कत ना हो, तो उसको कहते हैं जनरल एनेस्थेटिक एजेंट। तब यहाँ आप देख लेते हैं हिस्ट्री की, हिस्ट्री क्या क्या है। तो देखिए जो क्लोरोफॉर्म है फर्स्टली क्या हुआ था, फर्स्टली एक साइंटिस्ट थे जो थे जेम्स वाई सिम्पसन, इन्होंने क्या बताया था 1847 में इन्होंने क्लोरोफॉर्म का यूज करके इन्होंने बताया था कि क्लोरोफॉर्म एज ए जनरल एनेस्थीसिया के रूप में यूज किया जा सकता है। लेकिन क्या है कि अब इसका यूज जनरल एनेस्थीसिया के रूप में नहीं किया जाता क्योंकि इसमें कुछ साइड इफेक्ट आ रहे थे जिसमें आपका रिस्पायरेटरी फेलियर है, लंग फेलियर, ये सब आ रहे थे। तो अब सेकंड बात करते हैं, देखिए सेकंड आपका हिस्ट्री में हैलोथेन जो है प्रैक्टिस किया गया था बाय जॉन्स स्टोन इन 1956। तो देखिए जो ये हैलोथेन है सेकेंडली जो यूज किया गया, ये साइंटिस्ट थे जॉन स्टोन इन 1956 में हैलोथेन को जो है प्रैक्टिस किया गया था एज ए जनरल एनेस्थीसिया। तो अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया हिस्ट्री, क्योंकि हमको ज़्यादा हिस्ट्री बताना नहीं क्योंकि हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा बस दो तीन लाइन बता देना रहेगा एग्जाम में। तो सेकंड हम बात कर लेते हैं स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, कि जनरल एनेस्थीसिया के क्या क्या स्टेज होते हैं। तो देखिए एक साइंटिस्ट थे गुडल, यहाँ आप देख सकते हैं गुडल ने डिस्क्राइब किया था इसके स्टेज को बाय द हेल्प ऑफ ईथर, उन्होंने ईथर लेके उसको एज ए जनरल एनेस्थीसिया के रूप में यूज करके उन्होंने जो है डिस्क्राइब किया था स्टेजेज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया को। तो स्टेजेज में जो है मेनली चार स्टेज होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, स्टेज ऑफ डेलीरियम, स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया एंड स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया क्या है। देखिए स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया जो शुरुआती स्टेज होता है, इसमें क्या होता है शुरू होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस का होना, कॉन्शियसनेस का लॉस होना, ठीक है, जो है पेशेंट का बेहोश होना धीरे धीरे, इसमें जो पेशेंट धीरे धीरे बेहोश होना स्टार्ट हो जाता है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया में। और क्या होता है रिफ्लेक्सेस और रिस्पायरेशन, इनमें नॉर्मली जो है जैसे रिफ्लेक्सेस नर्व का सिग्नल का ट्रांसमिशन और रिस्पायरेशन जो है नॉर्मली चलता रहता है। अब आते हैं सेकंड स्टेज पे जो स्टेज ऑफ डेलीरियम, डेलीरियम में क्या होता है देखिए इसमें ये स्टेज जो है कहाँ से कहाँ तक वर्क करता है, फ्रॉम लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस टू बिगिनिंग ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया, ये स्टार्ट होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस से लेके सर्जिकल एनेस्थीसिया के स्टार्ट होने तक। इसमें आपका क्या क्या आता है, इसमें देखिए शाउटिंग, क्राइंग, वायलेंट बिहेवियर जो है पेशेंट का दिखाई देता है। तो ये हो गया सेकंड स्टेज ऑफ डेलिरियम। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज ऑफ
एनेस्थीसिया। इसमें क्या होता है, देखिए लॉस ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन का लॉस हो जाता है, पेशेंट जो है रिस्पायर नहीं कर पाता, सांस नहीं ले पाता है। दूसरा आपका है ग्रेजुअल लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटन मसल। देखिए इसमें क्या होगा कि जो नर्व सिग्नल का जो है रिफ्लेक्शन हो रहा था, ट्रांसमिशन हो रहा था, वो रुक जाएगा और स्केलेटन मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे, स्केलेटन मसल का जो मूवमेंट है वो रुक जाएगा। अब ये बात करते हैं लास्ट जो है मेडुलरी पैरालिसिस। जो मेडुलरी पैरालिसिस है इसमें देखिए क्या होगा, फेलियर ऑफ सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, जिससे पेशेंट की डेथ हो सकती है। उसके जो आँख के प्यूपिल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगे, वाइडली डायलेट हो जाएंगे, और जो बीपी है वो लो हो जाएगा पेशेंट का। तो ये होता है मेडुलरी पैरालिसिस, एकदम लास्ट स्टेज होता है। तो देखिए जो ये स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 2 नंबर या 5 नंबर में एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आपको याद करना जरूरी है। ये हम बात कर रहे हैं जनरल एनेस्थीसिया के पार्ट वन में। तो अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक जो है आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, कि एक जनरल एनेस्थीसिया के आदर्श लक्षण, आदर्श गुण क्या क्या हैं, क्या उसके अंदर आदर्श एक गुण रहना चाहिए जनरल एनेस्थीसिया में। पहला आपका है प्लीजेंट, इसका जो टेस्ट है वो आपका प्लीजेंट पर्सन, मतलब जो टेस्ट रहे वो प्लीजेंट रहे, उसमें जब जो है कोई कहने का मतलब कोई सावर टेस्ट ना रहे। दूसरा आपका आ जाएगा नॉन इन्फ्लेमेबल, ये जो है ज्वलनशील नहीं होता है। तीसरा आपका होता है प्रोवाइड एडिक्वेट एनाल्जेसिया, देखिए अगर हम इसको कम अमाउंट में यूज करते हैं तो ये एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एज ए पेन को कम करने के लिए। और चौथा आपका है इमोबिलिटी एंड मसल रिलैक्सेशन, देखिए जो मसल का रिलैक्सेशन, मसल मूवमेंट को रोक देता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन को रोक देता है और उनको इमोबाइल कर देता है कि वो जो है मूवमेंट ना कर सके। और पांचवा आपका है नॉन इरिटेटिंग, ये जो है इरिटेटिंग ना हो, जो कि किसी को मतलब घबराहट बेचैनी ऐसे कुछ ना हो इसको लेने के बाद, जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद। तो ये जो है छठवा आपका रिकवरी शुड बी स्मूथ एंड नॉट इफेक्ट ऑन सीवियस, इसका जो क्योंकि मैं पहले यहाँ आप ध्यान दीजिए कि जो जनरल एनेस्थीसिया है, लोकल एनेस्थीसिया होता है, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उसको रिवर्सिबल होना है। अगर वो रिवर्सिबल नहीं होगा तो जो पेशेंट का जो स्पेसिफिक आर्गन होगा या स्पेसिफिक जो जिस जगह पे एनेस्थीसिया दिया जाएगा वो हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाएगा, ये अगर वो इररिवर्सिबल होगा। इसीलिए जनरल एनेस्थीसिया हो या लोकल एनेस्थीसिया, उसको रिवर्सिबल होना जरूरी है। तो जब हम एनेस्थीसिया देते हैं तो वो क्या करता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या सर्जरी के बाद धीरे धीरे उसकी रिकवरी स्मूथली होती रहती है, और ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या हार्ट या ब्लड प्रेशर पर कोई इफेक्ट नहीं करता है जल्दी। तो ये हो गया आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे कैसे इसका मैकेनिज्म होता है। तो जो बेसिकली जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया वो चार तरह से होता है। अब पहला देखते हैं, देखिए इनहेल्ड जो इनहेलेशनल एनेस्थीसिया है या जो आईबी एनेस्थीसिया जो इंट्रावेनसली एनेस्थीसिया दिया जाता है, वो क्या करते हैं गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल से बाइंड होके ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिशन, जो क्योंकि ये जो गाबा है वो आपका इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इसके मैं पिछले कुछ दो वीडियो पहले मैं बता चुका हूँ रिसेप्टर्स और उनके जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में, वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे, तो उसका जो है लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख लेना। तो ये देखिए ये जो होता है इनहेल्ड और आईबी एनेस्थीसिया होती है, ये क्या होती है गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल से बाइंड होकर इनहिबिटरी एक्शन शो करता है, जिससे क्या होता है हमारा जो सीएनएस है वो डिप्रेस हो जाता है। इसके एग्जांपल में ड्रग में देख सकते हैं आप नाइट्रस ऑक्साइड है और हैलोथेन है और बहुत से ड्रग होते हैं। और दूसरा आप बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दूसरा है देखिए इनहेलेशनल एनेस्थीसिया, कुछ इनहेलेशनल एनेस्थीसिया होते हैं जो बाइंड होते हैं ग्लाइसिन गेटेड क्लोराइड चैनल से। देखिए ग्लाइसिन भी आपका इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ग्लाइसिन गेटेड क्लोराइड चैनल से बाइंड होते हैं जो कि ग्लाइसिन रिसेप्टर पे प्रेजेंट होता है, उससे बाइंड होकर वो इनहिबिट कर देते हैं जिससे हमारा सीएनएस डिप्रेस हो जाता है। तो ये दूसरा आप तीसरा बात करते हैं, देखिए कुछ एनेस्थीसिया ऐसे होते हैं जो ग्लूटामेट रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, और ग्लूटामेट रिसेप्टर से बाइंड करके क्या करेंगे एनएमडीए यन मिथाइल डी स्पार्टेट रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, और उनके ब्लॉक होने से जो है इनहिबिटरी एक्शन शो होता है। तो उसमें आपका देख सकते हैं कीटामीन है, कीटामीन हाइड्रोक्लोराइड या नाइट्रस ऑक्साइड आ जाता है। अब चौथा बात कर लेते हैं कि कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो एक्टिवेट करते हैं, देखिए सम जनरल एनेस्थीसिया में एक्टिवेट पोटेशियम चैनल ऑन गाबा बी रिसेप्टर इन द ब्रेन काज हाइपर पोलराइजेशन ऑफ सेल, जिससे देखिए पोटेशियम चैनल जब ओपन होता है तो पोटेशियम एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर ज़्यादा अमाउंट में आ जाता है, जिससे जो सेल का हाइपर पोलराइजेशन लंबे समय के लिए हो जाता है, जिसके वजह से उसमें सेंसेशन खत्म हो जाता है। तो एक तरह ये भी है, इसमें ड्रग में आएगा थायोपेंटॉल
उसके बाद मेथोहेक्सिटल और मिडाजोलम और भी ड्रग आते हैं, तो ये इतने ड्रग आ गए आपके, चार टाइप से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया एग्जाम में अलग से भी पूछा जाता है, तो इसको आप समझना जरूरी है। देखिए बस केवल आप इतना रखिए कि फर्स्ट में है कि वो गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल से बाइंड होकर इनहिबिटरी एक्शन शो करेगा, दूसरे में है ग्लाइसिन गेटेड क्लोराइड चैनल, उसमें गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल था फर्स्ट में, सेकंड में है ग्लाइसिन गेटेड क्लोराइड चैनल से बाइंड होकर इनहिबिटरी एक्शन शो करेगा, और तीसरा आपका है ग्लूटामेट रिसेप्टर से बाइंड होकर एनएमडीए रिसेप्टर से बाइंड होकर उसका एक्शन शो करेगा, और चौथा है कि ये क्या करेगा पोटेशियम चैनल को क्या करेगा एक्टिवेट करेगा, जिससे क्या होगा पोटेशियम एक्स्ट्रासेलुलर से इंट्रासेलुलर आएंगे और हाइपर पोलराइजेशन होगा सेल का। तो चार टाइप से ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, ये था पार्ट वन जनरल एनेस्थीसिया का, इसके जो है तीन पार्ट्स में वीडियो आएंगे, हम पार्ट टू में बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी क्लासिफिकेशन में जो पहला आपका रहेगा इनहेलेशनल एनेस्थीसिया, उसके ड्रग के एक एक ड्रग का पूरा हम एक्सप्लेन करते जाएंगे, पूरा उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स सब कुछ इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जो है अगर आपने न्यूरोट्रांसमीटर और रिसेप्टर का वीडियो नहीं देखा है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कौन कौन से रिसेप्टर और न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट कर रहे हैं, तो उसका जो है लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।